अयम निजह परो वेद गणना लघुचेत साम। मेरा तेरा छोटी बुद्धि वाले कहते हैं हम भारतीय सीमा जाति विवाद में नहीं पड़ते, हम भारतीय केवल एक सूत्र में सबको मानते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार ही अपना परिवार है, हमारा कोई छोटा मोटा नहीं। अगर वृंदावन कॉलोनी में आप लोग रहते हो तो आपका ही पूरा परिवार है। वृंदावन कॉलोनी में किसी को भी बुखार हो पूरे वृंदावन कॉलोनी के लोग इकट्ठे हो जाते होंगे, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि हम भारतीय हृदय से जुड़ते हैं, दिमाग से नहीं जुड़ते हैं। हम भारतीय जहाँ कहीं भी संबंध स्थापित करते हैं दिमाग नहीं लगाते, हानि लाभ नहीं देखते, घाटा मुनाफा नहीं देखते, हम दिल से जुड़ते हैं और उसकी समस्या हमारी समस्या होती है, हमारी समस्या हमारे कॉलोनी की समस्या होती है। ऐसे हम भारतीय हैं। अगर यह शिक्षा नहीं रही होती, यह हमारा सूत्र नहीं रहा होता, हमारे देश में तुर्क मुगल पारसी तमाम तमाम धर्म के लोग आए और वह दावा करने लगे मेरा ही देश है। आज वही तो लड़ाई चल रही है। कथा के बाहर क्या हो रही है? कोई कह रहा मेरा देश है, हम कहते हमारा देश है। हम इतने सहिष्णु हैं कि हम सनातन पुरातन संस्कृति दुनिया की सबसे आदि सभ्यता। आज लोग सूर्य की दूरी, नक्षत्र ग्रहों की दूरी आज नासा के वैज्ञानिक, आज चंद्र ग्रहण नासा के वैज्ञानिक बताते हैं। हमारे भारतीय पंचांग में पहले से ही सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की गणना की गई है। हमारे भारतीय गणित में शून्य का आविष्कार किया गया है। हमारे हम लोगों ने जब लोग सोचते नहीं थे कि सभ्यता क्या होती है, हम लोग उस समय घूंघट मार करके और अपने कान्हा को गोपी बन करके रिझा देते हैं। 5125 वर्ष पहले कहीं विश्व में कोई सभ्यता है ही नहीं जो 3000 से ऊपर की हो। हम तो लाखों वर्ष पहले के हैं। हम सदैव सनातनी थे, सनातनी हैं। मेरा तेरा में मत बटना। हम सब सनातनी, हम सब हिंदू, हम सब भारतीय हैं और यही धरती, यही संस्कृति भगवान को प्रिय है। इसीलिए सारे अवतार भारतवर्ष में होते हैं और कहीं नहीं होते। और विदेशी भी ललचा ललचा करके कहते हैं कि हमारे पहले वाले भगवान यही के हैं। अरे अब कहोगे क्यों नहीं, तो पहले तो हम लोग है ही हैं, तो तुम ही तो हमारे हो, काहे के छटक रहे हो, भटक रहे हो, हमको अपने में मिलाना चाहते हो। सूर्य के सामने जुगनू की क्या औकात है? सूर्य के प्रकाश में जुगनू का भी प्रकाश मिल जाएगा। सनातन सूर्य है, तुम केवल जुगनू हो। दुनिया में जितनी सभ्यताएं हैं सब जुगनू है। भारतीय संस्कृति ही पूरे विश्व की सबसे महान, सबसे पुरातन सनातन वैज्ञानिक संस्कृति है। इस पर हमें गर्व होना चाहिए। हम गर्व से कहें हम हिंदू हैं, गर्व से कहें हम हिंदू हैं। हमें नहीं कहें हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम जायसवाल हैं, हम क्या हैं, नहीं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आप किस जात के हैं कहिए हम हिंदू हैं। क्योंकि हिंदू ही कहता है हिंसा से जो दूर होता वही हिंदू है। जहाँ हिंसा नाम की कोई चीज नहीं होती वही हिंदू है। ही कहता है सब नर करही परस पर प्रीति। सब लोग आपस में प्रेम से रहते हैं, यही राम राज्य है। राम माने प्रेम, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले हो जान निहारा, जान ले हो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान कहाँ मिलते हैं? इसी प्रेम के सूत्र से। हरि व्यापक सर वस्त्र समाना, हरि व्यापक सर वस्त्र समाना। प्रेम से प्रकट कोई मैं जाना, प्रेम से प्रकट कोई मैं जाना। हरि व्यापक सर
वर समाना हरि व्यापक वर समाना। आज यहाँ प्रेम से सब लोग एक बिछावन पर एक बेंट पर बैठे हैं। आप सबका प्रेम इकट्ठा हुआ है तब यही परमात्मा प्रकट होकर के हमको आनंद परमानंद दे रहे हैं। और ये माताएं बहनें देवियां भैया लोग सब भूल जा रहे हैं कि मैं अधिकारी हूँ, कि मैं बहुत बड़ा व्यवसायी हूँ, मैं बहुत बड़ा पैसा वाला हूँ। और संतोष महाराज भी भूल जा रहे हैं कि मैं व्यासपीठ पर बैठा हूँ, घूम रहे हैं। यही क्या है प्रेम प्रकट प्रकट हो गया परमात्मा भीतर का। यही जब आप नृत्य करते हो उस समय भूल जाते हैं मैं कौन हूँ, मैं किसकी बहू हूँ, मेरे जेठ जी बैठे हैं, मेरे ससुर जी बैठे हैं ना। प्रेम प्रकट हो ही मैं जाना, प्रेम से परमात्मा प्रकट हो जाता है। वो नृत्य नहीं है, वो प्रेम प्रकट हो रहा है। भगवान के प्रति हम गोपी भाव से उसे प्रकट कर रहे हैं। और जो हम झूमते हैं तो कन्हैया भी हमारे साथ झूमता है।